नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख मेले और उत्सव। इनमें से हर एग्जाम के अंदर भाई RSO, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। और इनमें से जो मैं आपको एक चिन्ह या मोस्ट लगा के बताऊंगा, वो हर एग्जाम के अंदर पूछे गए, आप उसे याद जरूर करिए। ये 20-25 के आसपास है, आपको इसको एग्जाम से पूर्व पढ़ के जाना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के मेले और महोत्सव और स्थान का। महा भरा जाता, आपको महा सहित याद करना है, क्योंकि जल परेड में पूछा गया था बूंदी महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, ग्रीष्म महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। तो आपको स्थान के साथ साथ तो महा भी याद, महीने भी याद रखने होंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले सवाल पहले के बारे में। ऊंट महोत्सव, ऊंट बीकानेर में, ऊँट का है बीकानेर में, और मेला कब लगता है, उत्सव कब लगता है, तो जनवरी माह में लगता है। ये सवाल RS में पूछे गए थे, कंटिन्यू पूछा गया था, ये RS में पूछे गए थे कंटिन्यू, यानी फरवरी मार्च 3 पूछे गए थे। पहले इसमें ये पूछा गया था, उसके बाद अगला बताएंगे। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ये जनवरी और फरवरी माह में मनाया जाता है, ये पटवार के अंदर पूछा गया था। अगला देखिए, नागौर महोत्सव कब मनाया जाता है, या नागौर मेला है, ये महोत्सव नहीं है मेला है, कुछ मेले भी हैं, कुछ मेले भी हैं, कुछ महोत्सव ये पर्यटकों के लिए है। नागौर मेला नागौर के अंदर जनवरी और फरवरी माह में। अगला देखिए एडवर्ड, ये देखिए ये स्पोर्ट्स ये पूछा गया था, एडवर्ड्स स्पोर्ट्स कहाँ भरा जाता है, कोटा के अंदर, ये किस महीने के अंदर भरा जाता है, ये फरवरी माह के अंदर भरा जाता है, किस माह के अंदर भरा जाता है, फरवरी माह के अंदर भरा जाता है। अगला देखिए शेखावटी महोत्सव, शेखावटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर भरा जाता है, ये कब भरा जाता है, फरवरी माह के अंदर भरा जाता है। अगला देखिए ये अलवर महोत्सव, ये RS में पूछा गया था, अलवर महोत्सव अलवर में कब पूछा गया था, फरवरी में, ये पूछे गए थे कि महीने दे रखे थे सामने और उसको बिलान करना था, इस प्रकार से ये सवाल पूछे गए थे। अगला देखिए बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में कब लगता है, फरवरी माह में लगता है, कब लगता है, फरवरी माह में लगता है। अगला देखिए ब्रज महोत्सव, ब्रज धौलपुर में, ये भी फरवरी माह में लगता है, किस माह में लगता है, फरवरी माह में। पतंग महोत्सव जैसलमेर के अंदर, और ये भी कहाँ लगता है, फरवरी माह में लगता है। तो ये फरवरी माह के कुछ है, ये पूछे गए थे एग्जामों के अंदर पूछा गया था, ये RS में पूछे गए था, ये चार कंटिन्यू पूछे गए थे। पहला पूछा गया था ऊंट महोत्सव, उसके बाद में एडवर्ड्स, उसके बाद में अलवर महोत्सव, और उसके बाद में जैसलमेर पतंग महोत्सव पूछे गए थे, महीने पूछे गए थे, तो आपको महीनों के बारे में ध्यान रखना है, ये फरवरी माह। अगले बात करते हैं, ये कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर के अंदर मनाया जाता है, लेकिन किस माह में, मार्च माह में मनाया जाता है, ये कांस्टेबल में पूछे गए थे दो बार सवाल है। उसके बाद में गणेश मेला, सॉरी गणगौर मेला जयपुर के अंदर लगता है, ये मार्च और अप्रैल के अंदर लगता है। उसके बाद में महावीर जी, ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौली लगता है, कब माह पूछा गया था, अप्रैल माह में लगता है। अब देखिए ये भी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, केला देवी का मेला करौली के अंदर लगता है और अप्रैल माह में लगता है। अगले देखिए ये पूछा गया था RS के अंदर पूछा गया था, कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, ग्राम सेवक के अंदर भी ये पूछा गया था, तो ग्रीष्म महोत्सव कब लगता है, माउंट आबू, लेकिन पूछा किया गया था ये किस माह में लगता है, तो कौन सा माह लग गया, जून माह में लगता है। अगला देखिए तीज मेला, ये कांस्टेबल में पूछा गया था, ये भी कांस्टेबल में पूछा गया था, जयपुर में लगता है, जुलाई और अगस्त माह में लगता है। अगले कजली तीज, ये RS में पूछा गया था, कजली तीज कहाँ लगती है, बूंदी के अंदर लगती है, बूंदी जिले के अंदर, और अगस्त माह में लगती है। अगला देखिए दशहरा का मेला, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया, दो तीन बार सवाल है, कि कब दशहरा का, दशहरा उत्सव कोटा का प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है कि दशहरा उत्सव कहाँ लगता है, कोटा में लगता है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा दशहरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भी कहाँ, कोटा का है, कब लगता है, अक्टूबर माह में लगता है, ये पूछा गया था मारवाड़ उत्सव। RTDC की एग्जाम के अंदर पूछा गया था, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, और RS के अंदर भी पूछा गया था, मारवाड़ महोत्सव किस माह में लगता है, जोधपुर सभी को पता लगे माह कौन सा है, अक्टूबर माह में लगता है। और देखते हैं कुछ महोत्सव के बारे में, पर्यटकों के बारे में, महोत्सव के बारे में, ये हर एग्जाम्स क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तब हमने एक
टॉपिक लिया और ये वीडियो बनाया है सभी के एग्जाम्स के लिए और आपके लिए, राजस्थान पुलिस और रिट के में भी आ सकता है। और ये मेरा उससे पूछा गया था, फर्स्ट लेवल एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर। मेरा मौसु कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है, अक्टूबर माह में लगता है। ये कांस्टेबल में पूछा गया, ये कांस्टेबल में पूछा गया चंद्रभागा मेला, झालरापाटन। आपको हमें बताना है झालरापाटन किस जिले के अंदर। बहुत आसान सा सवाल है, आप हमें कमेंट देंगे हमें बहुत खुशी होगी। ये कब लगता है? अक्टूबर और नवंबर माह में लगता है। कोलायत, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, कई बार सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर के अंदर लगता है। कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। वागड़ मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है और नवंबर माह में लगता है। ये देखिए, योगा शिविर व शास्त्रीय नृत्य उत्सव रणकपुर में लगता है, रणकपुर पाली के अंदर है। कब लगता है? अगस्त माह के अंदर लगता है। अगले देखिए, ये रणथंबोर पटवारी के अंदर पूछा गया था। रणथंबोर म्यूजियम फेस्टिवल कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। पुष्कर मेला हर एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है, कांस्टेबल के अंदर पूछा जाता है, ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया, आरएस के अंदर पूछा गया है। तो ये कब लगता है, किस माह में लगता है? अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को पता है, राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी में ये पूछा है कि महीना कौन सा है, तो आपको महीना याद रखना है नवंबर माह। कांस्टेबल ने पूछा गया कि भाई कार्तिक पूर्णिमा सभी को पता है, लेकिन ये महीना पूछ लिया, अंग्रेजी महीना पूछ लिया, तो कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। सर्द महोत्सव बीएसटीसी में सवाल पूछा गया, सर्द महोत्सव कहाँ लगता है? माउंट आबू में लगता है। राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, ये कौन कहाँ लगता है? माउंट आबू में लगता है। कब लगता है? ये पूछा गया था आरएस में। सर्द महोत्सव कब लगता है, किस माह में लगता है, ये आरएस में पूछा गया था, दिसंबर माह में लगता है। अगला देखिए, और ये देखो, ये आपके जेल प्रहरी में पूछे गए सवाल, ये पूछे गए, आपने आगे पीछे पेपर देखेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा। बूंदी महोत्सव कब मनाया था? ये महीना पूछा गया था, उसके अंदर अक्टूबर भी था, दिसंबर भी था, जनवरी भी था और फरवरी भी था। तो ये पूछा गया था कि कब लगता है, तो दिसंबर माह में, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। और ये कहाँ लगता है? बूंदी उत्सव, बूंदी में लगता है। अगला देखिए, शिल्प ग्राम उत्सव ये उदयपुर में लगता है, दिसंबर माह में लगता है। ये कौन करवाता है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा ये उदयपुर के अंदर यहाँ पे लगाया जाता है पर्यटकों के लिए। और ये नोट ये पूछा गया था आरएस के अंदर पूछा गया था। साहित्य महोत्सव कहाँ लगता है? भूटान के अंदर लगता है। ये भारत के राजस्थान से भारत में एकमात्र बार लगने वाला साहित्य उत्सव का है, भूटान के अंदर। दोस्तों ये इसके अंदर जो हमने बताए हैं टिक लगाए हुए सभी महत्वपूर्ण हैं, ऐसे नहीं कि जो टिक नहीं लगे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर कुछ न कुछ सवाल पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक से हमें बहुत खुशी होगी, और अपने सुझाव कमेंट हमें देते रहिए जिससे हमें बहुत खुशी होगी। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक नमस्कार।